हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं अनुराग जायसवाल स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल KCL ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, जो कि डी फॉर्म फर्स्ट ईयर और बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इसके चैप्टर इससे अगर हम बात करें यूनिट नंबर 2 के स्टार्टिंग के 5 लेक्चर सब अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, HMP पाथवे, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म जैसी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस को हम लोग देख चुके हैं। इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं, फिर एक टॉपिक है GSD, शॉर्ट फॉर्म में जिसको GSD और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ कहते हैं। ये कभी कभी एग्जाम में बेसिकली बी फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन करके, या 6 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़। इसमें कुल 7 प्रकार की डिजीज़ होती है। आपको 7ों का नाम सिक्वेंस पर याद करना होता है और नाम के साथ साथ उनकी डिटेल याद करनी होती है कि किस एंजाइम कभी से क्या दिक्कतें हो रही हैं। और क्योंकि ये सीक्वेंस में आपको याद करना होता है, इसलिए मैं आपके पास एक ट्रिक लेकर आया हूँ। इस ट्रिक की सहायता से हम याद कर पाएंगे कि GSD के सारे डिजीज़ को कैसे याद कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ द ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, होता क्या। देखिए, हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का इंटेक ज़्यादा होता है, तो हमारी बॉडी में लीवर में ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाता है। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है और ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में जाके स्टोर हो जाता है। तो क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है, फिर उसका फिर वो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होकर फिर से ग्लूकोज बनता है और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो ग्लाइकोजन बनने और ग्लाइकोजन के टूटने दोनों के प्रोसेस के बीच में बहुत सारे एंजाइम्स का रोल होता है, जो एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं ग्लाइकोजन के बनने और टूटने में। ठीक है, तो जैसे आपके सामने देखिए क्या प्रॉब्लम क्या है। ये देखिए, ये ढेर सारी डिजीज़ हैं, मैं आपको बताता हूँ। उससे सबसे पहले एंजाइम की बात कर लेते हैं। तो ढेर सारे एंजाइम्स होते हैं फ्रेंड, वो जो एंजाइम्स क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो ग्लाइकोजन को हेल्प करते हैं ब्रेकडाउन में और फॉर्मेशन में। अगर यही एंजाइम हमारी बॉडी में, कुल 7 एंजाइम होते हैं, अगर ये बॉडी में हमारे 7ों एंजाइम की कमी हो जाए या एक भी एंजाइम कमी हो जाए, तो ग्लाइकोजन का स्टोरेज और सिंथेसिस हमारी बॉडी में ख़राब हो जाता है। तो उससे हमें अलग अलग तरह के रोग होने लगते हैं फ्रेंड। इसी बीमारी को कहते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमको याद करना है कि ये 7ों बीमारियाँ कौन कौन सी है। देखिए फ्रेंड, जैसे अगर आपको एग्ज़ाम में शॉर्ट पे पूछे तो आप ये टेबल बना के लिख दीजिएगा, बस आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगर लॉन्ग में पूछता है तो आप डिजीज को एक्सप्लेन करिएगा। देखिए, इसमें आपको 7ों के नाम सीक्वेंस से याद करने हैं। पहला है वॉन गर्क डिजीज। वॉन गर्क डिजीज में बेसिकली जो एंजाइम होता है वो कौन सा इनहिबिट होता है, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आपको ये याद करना है कि कौन से डिजीज में पहला कौन सा है। देखो, टाइप 1 टाइप 2 टाइप, आपको सीक्वेंस में याद करना है, सीक्वेंस गलत नहीं होना चाहिए। टाइप 1 डिजीज़ को बोलते हैं वॉन गर्क डिजीज़, इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कमी से होता है ये बीमारी। दूसरा है टाइप 2 डिजीज़ है, ग्लाइकोजन GSD टाइप 2 है। पॉम्प डिजीज़, जो पॉम्प डिजीज़ होता है वो एसिड माल्टेज एंजाइम की कमी से होता है। तीसरा है कोरी डिजीज़, टाइप 3 है कोरी डिजीज़, ये ग्लाइकोजन डी ब्रांचर एंजाइम की कमी से होता है। टाइप 4 है एंडरसन डिजीज़, ये ग्लाइकोजन ब्रांचिंग एंजाइम कमी से होता है। और आपको टाइप 5 है मैकार्डी डिजीज़, मैकार्डी डिजीज़ मसल ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एंजाइम कमी से होता है। और टाइप 6 है हर्ष डिजीज़, जो होता है वो लीवर ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज के एंजाइम कमी से होता है। और 7वां है टाइप 7 है टाउरी डिजीज़, और तरुई जो आपको टेरुई डिजीज़ है, वो टेरुई या तरुई जो भी बोलते हैं, ये हमारे मसल फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। अगर आप सिर्फ इतना ही याद कर लेते हैं कौन से टाइप में क्या नाम है और उस नाम में कौन से एंजाइम कमी से होता है, यही आपके लिए काफ़ी। और कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, GPAT या गवर्नमेंट एग्जाम जो भी होते हैं फार्मासिस्ट के, उसमें इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो याद कर लीजिएगा। तो अब ये कैसे याद होगा, मैं आपको याद करने का एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको सीक्वेंस से कैसे याद करना है। तो चलिए ट्रिक हमारे साथ शुरू करते हैं। ट्रिक है कि वो गिर के पंप पर कार से, एंडरसन ने मैकार्डी से हीरे का तार मांगा। ये क्या होता है कि एंडरसन और मैकार्डी दो दोस्त हैं, जो अब कहानी सुन लीजिए। एंडरसन और मैकार्डी दो दोस्त हैं, वो एक ट्यूबवेल पे गए। जानते हैं गांव में ट्यूबवेल होता है, जहाँ पे पंप जिसको बोलते हैं, जहाँ पे सिंचाई उचाई के लिए पानी निकलता है। एंडरसन और मैकार्डी जो है वो कार से घूमने गए थे, लेकिन क्योंकि वहाँ पे रास्ता आप जानते हैं कच्चा रास्ता होता है, बरसात का समय होता है, तो वो गाड़ी उसकी गिर गई। ठीक है, तो इसमें एक कहानी है, इस कहानी का ट्रिक है, वो गिर के पंप पर कार से, एंडरसन ने मैकार्डी से हीरे का तार मांगा। ये वर्ड आप तार बार बार बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। वो गिर के पंप पर कार से, एंडरसन ने मैकार्डी से हीरे का तार मांगा। अब देखिए क्या कैसे याद करना है। टाइप 1 में वो गिर से वॉन गर्क डिजीज़। टाइप 2 में है पंप, पंप से पॉम्प डिजीज़। टाइप 3 में है कार, कार से कोरी डिजीज़। टाइप 4 है एंडरसन, एंडरसन से एंडरसन डिजीज़। 5 है मैकार्डी, मैकार्डी से मैकार्डल डिजीज़।
छः है हीरे का तार, हीरे से मतलब हेयर डिजीज़, और जो सातवां है तार से टॉरी डिजीज़। ये आप ये ट्रिक याद करिएगा, वो गिर के पंप पर कार से एंडरसन ने मैकार्डी से हीरे का तार मांगा। ये ट्रिक अगर आपको याद रहेगा फ्रेंड तो आप आसानी से सीक्वेंस को याद कर पाएंगे, क्योंकि एक बार अगर आपको सीक्वेंस गलत हो जाएगा तो पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा। अब अगर आपका ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछता है, देखिए शॉर्ट में पूछेगा तो यहाँ तक आपका काम हो गया है, अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछता है तो अब आपको सारे डिजीज़ में कि वॉन ब्लड डिजीज़ में एंजाइम कौन सी कमी है, क्या सिम्टम होते हैं, कैसी बीमारी होती है, ये आप इसका नोट्स बना लीजिएगा। बस इसको बहुत डिटेल नहीं पढ़ना, इसका नोट्स बना लीजिएगा कि कैसे बीमारी में क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या होती है, बस आपको यही लिखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है वॉन ब्लड डिजीज़। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन नहीं कर पाती है, क्योंकि हमारे पता है बॉडी में जब एडवर्स कंडीशन आता है तो ग्लाइकोजन से ही ग्लूकोज बनता है, तो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन इस बीमारी में नहीं हो पाता, क्योंकि मैंने बताया कि एंजाइम कौन सी कमी हो गया, ग्लाइकोजन फास्फेटेज या ना स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाया था, उस एंजाइम की कमी हो जाती है, ठीक है। कौन कौन से इसके क्या काज है बताया, क्यों टूट नहीं पाता, मैंने बताया एंजाइम कमी होती है, और इसके सिम्टम्स क्या है कि आपको इन्फेक्शन होगा और गाउट किडनी फेलियर हो जाएगा, लीवर ट्यूमर होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, सीजर होगा, एलिथर्जी होगा, ये सब अलग अलग सिम्टम्स हैं जिसको आप अपनी कॉपी में नोट्स कर सकते हैं। दूसरा ठीक है फ्रेंड, टाइप 2 पॉम डिजीज। तो आपको पता है पॉम डिजीज किस एंजाइम कमी से होता है, वो होता है एसिड माल्टेज एंजाइम की कमी से होता है, इसलिए भी एक टाइप 2 डिजीज है। इसमें क्या होता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, इसमें लाइसोसोमल स्टोरेज भी कहते हैं और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ भी कहते हैं, और इसको न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ या मेटाबॉलिक मसल डिजीज़ भी कहते हैं, ठीक है। इसके क्या क्या सिम्टम है देख लीजिए, बच्चों में क्या क्या सिम्टम होते हैं, हेड में, लेग्स में, बड़े बच्चे, ये बेसिकली ये बीमारी जो बच्चों को ज़्यादा इफेक्टेड करती है। तीसरी है फ्रेंड कोरी डिजीज़। कोरी डिजीज़ में भी क्या लिखना है, ये टाइप 3 डिजीज़ होती है, और ये किस एंजाइम की कमी से होती है, एंजाइम मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया, वो है ग्लाइकोजन डी ब्रांचिंग एंजाइम की कमी से होता है, ठीक है। कोरी डिजीज़ में होता है ये बेसिकली क्या होता है, इसमें भी सिम्टम आप देख लीजिए, कॉज क्या है ऑलरेडी बताया कि इसमें जो लीवर आपका है प्रिंसिपली वो अफेक्टेड हो जाता है, इसमें लीवर में स्वेलिंग आ जाती है जिससे ग्रोथ उसका कम हो जाता है, और उसमें शुगर का लेवल धीरे धीरे ब्लड ग्लूकोज लेवल वो कम होने लगता है, मसल में वीकनेस होती है, पैर हाथ में कमजोरी होती है, ये सब इसका सिम्टम्स और कॉज है देख लीजिएगा। टाइप 4 की बात करें एंडरसन डिजीज़, तो ये सब देखिए ये बहुत डिटेल पूछेगा तभी आपको ये सब लिखना है, अगर आपको लिखना नहीं है वो टेबल तक आपका काम चल जाएगा। टाइप 4 है, इसमें क्या होता है, इसमें ग्लाइकोजन ब्रांचिंग एंजाइम डिफिशियंसी एंजाइम की कमी से ये प्रॉब्लम होती है। बेसिकली क्या क्या इसका सिम्टम है, क्या क्या इसके लक्षण है, क्या होता है, ये ऑलरेडी इसमें दिखा हुआ है फ्रेंड, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। कॉज क्या है बताइए, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है, जेनेटिक कंडीशन से हो सकता है, मेटाबॉलिक कंडीशन से हो सकता है, कॉन्जेंटालिटी जो माँ से बच्चों में आ सकता है, ये सब प्रॉब्लम ये हेरिडिटी होती है, ट्रांसफर होती है माँ से बच्चे में, ठीक है। फिर सिम्टम्स क्या है कि फेलियर टू थ्राइव होता है, पुअर इन्फेंट वेट गेन होता है, बच्चे का जो भारी वेट है वो बहुत कम रहेगा, इन्फेंट मसल टोन बहुत लैक रहेगा, यानी बच्चे के लिए जो बच्चा गर्भ में है उसको बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है इस चीज़ के कारण, ठीक है। फ्रेंड नंबर 5 है मैकार्डी डिजीज़। इसमें क्या होता है, ये स्केल्टन मसल में बेसिकली प्रॉब्लम होती है, इसको टाइप 5 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ बेसिकली कहते हैं। ये हेरिडिटी होती है, ये बच्चों में ट्रांसफर होती है, माँ बाप से सिम्टम इसके ट्रांसफर होते हैं। कॉज क्या है, इसमें एक्यूट किडनी इंजरी होती है, क्रोनिक किडनी डिजीज होती है, पूरी तरह से किडनी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, ठीक है। बाकी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको देख कर यहाँ से फ्रेंड लिख सकते हैं। सिम्टम्स ये दिया है मैकार्डी डिजीज़ के, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या डेवलप होती है, प्रॉब्लम क्या होती है, ऑलरेडी अगर आप डिटेल में नोट्स बनाना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हैं। टाइप 6 है हर्ट्स डिजीज़। इसमें क्या होता है, ये टाइप 6 टाइप का डिजीज़ है, इसमें क्या होता है बेसिकली लीवर ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एंजाइम की कमी से होता है, ठीक है। ये आपको बताया था सिम्टम, आप देख लीजिए, इसमें माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया होता है, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज की थोड़ी सी कमी हो जाती है, हिपेटोमेगैली होती है, यानी जो लीवर के सेल्स होती है उसमें मैक्रोमेगैली शुरू हो जाती है, लीवर के सेल खराब होने लगते हैं, ग्रोथ खराब होने लगता है, लीवर का काम करना बंद हो जाता है, ठीक है। टाइप 7 है टॉरी डिजीज़। टॉरी डिजीज़ क्या होता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की कमी से होता है, इसको टाइप 7 डिजीज़ भी कहते हैं, और डिजीज़ के क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं आप यहाँ देख रहे हैं। क्या होते हैं मैकार्डी डिजीज़ में, ये इसमें क्या होता है कि मसल का वीकनेस और मायोग्लोबुलिनुरिया की प्रॉब्लम होने लगती है, बेसिकली ये ओल्ड एज के पीपल में ज़्यादा होती है। तो ये हमने देख लिया सातों डिजीज़ की थोड़ा थोड़ा डिटेल और सातों डिजीज़ का सबसे बेहतरीन ट्रिक, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, हम सब एक हैं, एक रहेंगे, और ये पढ़ाई करिए। आप हमारा ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ खत्म हो गया, हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे बायोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक, आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।